आज जल्दी जल्दी चाह उबल जाए, फिर सारे ने फटा के कॉलेज लिए तैयार होनी है। आलो पापा जी चाह पीलो, मैं आपके हाथों नाल बनाई है। ओ बल्ले बल्ले भाई, आज मेरे पोते ने पहली बारी चाह बनाई है, मैं पी के देखते हैं। चाह तो बहुत स्वाद बनाई है भाई तू। अच्छा पापा, आज तो बाद फिर मैं रोज चाह बनाया करूँ। हाँ हाँ पुत, बना लिया करी, ते मैं भी पग बन ला, ते आज तेरे कॉलेज का पहला दिन, तू भी तैयार हो जा। तैयार तो मैं बाद भी हो जाऊंगी, मेरे होंगे हुए तुम कल पग किमें बनोगे? बचपन तो लैके मैं थोड़े पग बनती आई, तो अज भी मैं ही बनूंगी, मैं पग लैके आऊंगी, तैयार तो बाद हो जाऊ। कमली ना हो गए तो पापा एक वाल पै गया, मैं दोबारा बन दिनी है। नहीं पता, पग तो उदों तक ही सोहनी लगती है जदों तक घर दियां धीआं भैणां दी इज्जत बनी रहे। हुण तू कॉलेज आया करेंगी, इस पग की इज्जत का ध्यान रखी, बाकी इस वाल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। ना पापा ना, तुसी फिक्र ना करो, थोड़ी पग हमेशा थोड़े सिर ते थोड़ी इज्जत बन के रहेगी। अज तां वीरे तुसी सांझ लई तैयार हो गए। चलो मैं तुहाडे लई चाह बना के लियानी है। चाह मैं पी ली आ, अमन ने चाह बना ली सी। अच्छा अज अमन ने कितना चाह बना ली, ये तो चमत्कार हो गया मेरे। बुआ जी मैं थोड़े लिए भी चाह बनाई है, मैं हुणे लेके आनी है। वीरे तू थोड़ा जा देख के चल, अजकल माहौल किन्ना खराब आ, तू किहड़ा पढ़ा के इस नूं डीसी लाउणा, आपां नूं की पता कॉलेज जाके की करूगी ते की ना करूगी। मैनूं तां इसदा फैशन देख के वीरे डर लगदा, नित नवें सूट घंटा घंटा शीशे अगे खड़ी रहती है, मैं तो तेरे पग की इज्जत तो डरती हाँ वीरे, कित रोल ही ना देवे। बस कर भैने, मैनू अपनी धी ते पूरा विश्वास है, तू डर ना, बचपन तो अमन मेरी पग बढ़ती आ रही है, मैं उसनू चंगे ते माड़े की समझ दिती है, ते अज की गल सुनदा, अज मेरी पग विच एक वाल पै गया ते कहिंदी मैं दोबारा बन दिनी आ। तू आप सोच, जिहड़ी मेरी एक पग विच वाल नहीं पैण दिंदी, वह मेरी पग नूं दाग किवें लाऊगी। तू ज़्यादा शक ना करिया कर, इस शक ने तो तेरा घर खराब करता। अमन कुर्सी लग के आ गए जी। कुछ ले अरे चाह बनाई है, मिठे ने तो बुरा हाल कर रखे है, की सानू शुगर करनी है? पर भुआ जी पापा तो कहते कि चाह बहुत वधिया बनी है। ओहो हरप्रीत, जे कुड़ी तो थोड़ा मिठा वध पै भी गया तो किहड़ा भुचाल आ गया, हौली हौली सिख जो। पर पापा तुसी तो मैनू दस्या ही नहीं। हुण तू होर बिगाड़ ले कुड़ी ने, एक दिन तेनू ही औखा करेगी। ओ चल अमन पुत, तू उदास ना हो, तेनू पता ही है तेरी भुआ दे शक्की सुभा दा, जेकर वह बेफालतू शक ना करती तो अपना घर खराब करके इतने ना बैठी होंगी। तू तैयार हो, आप गुरद्वारा साहब चलते हैं, फिर तू कॉलेज चली जाई तो मैं खेत चले जाऊँ। ठीक है पापा जी, मैं आनी हाँ। वाहेगुरू जी मैं शक्ति देना कि मैं अपने पापा का हरेक सुपना पूरा कर सकाँ, तो अज मेरे कॉलेज का पहला दिन आ, मेरे जीवन की इस नवी शुरुआत से अपना साथ देना। हे वाहेगुरू जी,
अज मेरी कुड़ी दे कॉलेज का पहला दिन आ, इस नूं तरक्की देना ते मेरे पग दी इज्जत बनाई रखे। चल तू बस फड़ के कॉलेज चली जा ते मन ला के पढ़ी ते मैं भी खेत चलिया। ठीक है पापा जी। चल ठीक है पुत, जे किसी चीज़ की लोड़ आ तो दस। हुण तक तो कोई लोड़ नहीं है पापा जी, जे हुई तो मैं दस दूंगी। अमन पुत पानी लेके आ। आज तो गर्मी बहुत सी खेत। अमन पानी लेके नहीं आई। मेरे जेकर अमन होगी ताई पानी लेके आऊगी ना, वो तो हाले तक कॉलेज तो नहीं मुड़ी। हाले तक नहीं आई, पांच बज गए, इन्नी लेट कितने होगी? वीरे मैं तो तुम्हें पहले ही कहा सी तुसी अमन नू कॉलेज ना भेजो, पर तुसी मेरी केड़ी मनदे हो। वो बस कर, हर वेले एवें शक करती रहनी है, हो सकता वो किसी मुसीबत च हो, मैं उसनों देख के आना। आगे पुत इन्नी लेट क्यों हो गए, तू ठीक तो है? हाँ जी पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ पापा जी मैं थोनों की दसा, अपने पिंड नूं बसें ही बहुत घट आउंदे ने, मसे एक बस मिली सी उन्हें भी रात तीन घंटे लाते, तो ही लेट हो गई मैं। चल पुत तू ठीक तो है ना, साढ़े लिए इन्ने काफ़ी है। हाँ चल छड पुत, तू ऐ दस तेरे कॉलेज का अज पहला दिन कैसा रहा? पापा जी बहुत वधिया रहा, तुसी बिल्कुल टेंशन ना लो। चल लै पुत तू चल के आराम कर, ते मैं किसी काम जाके आऊँगा। ठीक है पापा जी। अमन पुत इधर आ, हाँ देख मैं तेरे लिए की लेके आया। हाँ जी पापा जी आई। वाओ स्कूटी मेरे लिए? हाँ पुत हाँ। थैंक यू सो मच डैड। देख पुत अगे तो मन ला के पढ़ना, मेरा नाम भी रोशन करना। बिगाड़ ला वीडियो बिगाड़ ला, पहला इनू कॉलेज ला दिता, हुण इनू एक्टिवा लै दिती, मैनू की है जो तुहाडी पग नू दाग ला दिता ना, पता उदो लगूगा। ओ बस कर हुण तू फिर शुरू होगी। अमन मेरी इको एक धी आ, मैं इनू पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहना। तू चल के रोटी बना, मैनू भुख बहुत लगी आ, कुछ चंगा भी सोच लिया कर। चलो ठीक है मैं रोटी बनानी है, आके प्योती खा लो। हरप्रीत एक मिनट बैठ, तेरे ना कोई गल करनी सी जरूरी। देख कुड़िए आज मैनू प्रौहणे का फोन आया सी, वो मैनू कहिंदा सी तुसी हरप्रीत नाल गल करो, वो बिना गल तो शक करके अपना घर खराब कर रही है, जे तू कहें तो मैं उसनों फोन कर दिना, वो तैनू आके लै जूगा। देख कुड़िए धियां भैणां अपने घर विच वसदियां चंगियां लगदियां ने। अच्छा वीरे तुहानू की लगता है कि मैं अपने पेके घरे बैठ के खुश हाँ? मैं बिना मतलब तो शक नहीं करती, जेकर मेरे नाल ज़्यादा उसनों अपनी भरजाई पै रही है ना, तो रहन दो अपनी भरजाई को, मैंने तो वो कोई समझदा ही नहीं वीरे। ओ कमलिए तू तो एवें उहदे ते शक करी बैठी है, वो तो अपनी भरजाई नूं अपनी वड्डी भैण समझदा। आहो वीरे हुण मैं तैनू क्यों चंगी लगांगी, हुण मेरा दुख की समझेगा, जेकर मैनू दो वक्त की रोटी नहीं ना खवा सकते तो मैनू जहर दे दो। कुड़िए तेरी रोटी खाण नाल मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं तो तेरे भले लई सोचदा, अगे तेरी मर्जी है। हे वाहिगुरु ये तो मसला दिनों दिन उलझ ही जाता, इहदा हल हुण तुसीं कढो कोई।
ਵਧੀਆ ਭਤੀਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸ। शहर गया सी। अच्छा। मैं अपनी अमन किसी मुंडे नाल देखे। ओ भतीज, मैनू अपनी अमन ते पूरा भरोसा है, मैं उसनु पुत्ता वांग पालिया, तैनू कोई भुलेखा लग्या होना। नहीं चाचे, मैनू कोई भुलेखा नहीं लग्या। आ देख फोटो मोबाइल च। चाचे शहरी माहौल तो एवं हुंदा है, इहो जी कुड़ियां तां मार देना चाहीदा है जो अमन वांग पढ़ाई दे बहाने शहर जाके प्यो दी पग नूं दाग लाउंदियां ने। ठीक है चाचे, मैं चलदा फिर, मैनूं कोई काम है। ਵੀਰੇ ਅਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਈ ਦੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਡਾਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਿਗਾੜ। ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਅੱਜ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਰਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਸ਼ਰਮਾ ਵਾਂਗ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਓ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਮਨ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਬੂਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਸਕੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਸਤਾ ਇੰਨਾ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਹੋਇਆ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲ ਪਈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਵੀਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਹੋ ਭੈਣੇ,
नाले थैंक यू कह रही है, नाले वीरा कह रही है, एक ही गल बनी। पर वीरे तुसी कौन हो? मैं पछाणिया नहीं थोनू। मैं तुहानू कॉलेज विच वेख्या सी ते इत्थे तुहानू मैं घबराउंदे होए वेख्या ते मैं सब समझ गया ते मैं रुक गया। हाँ ओ वीरे पता नहीं एक्टिवा नू की हो गया ते कल असाइनमेंट भी मैं सबमिट करवानी है ते दुकान बहुत दूर आ ते इत्थे कोई मकैनिक भी नहीं लभ रहा मैनू। तुसी मेरे नाल चलो, मैं तुहानू समान दवा लिआउणा ते आपां मकैनिक नू फोन कर दिंदे आ, उन्नी देर नू स्कूटी भी ठीक कर दूंगा ते आपां समान लैके आ जांगे। भैने की सोच रही है? तेरा इत्थे कल्ले रहना ठीक नहीं है। ठीक है वीरे, मैं चलदी हां थोड़े नाल। पापा जी, जे थोनू हुण भी लगता है ना, तुसी मार दो अज मैनू। ना तीए, मैनू माफ कर दी, मैं पता नहीं लोका पिछे लग के तेनू की समझ बैठा सी। पापा जी, तुसी एक सोच भी की मिलिया कि जेड़ी पग मैं रोज बनती आ रही हूँ उसकी इज्जत नू मैं खराब भी कर सकती हूँ। मैनू तो उस गुआंढी की गल सुन के अपनी परवरिश ते शक हो गया सी। सब तो वड्डी खुशी की गल ए कि अज दोवें गलत फहमियां दूर हो गईआं। अमन, तू अपनी पढ़ाई वाले ध्यान दे पुत, मैं कल अपने सहुरे चला जाना। चल चंगी गल आ, अज परमात्मा ने सब कुछ ठीक कर दिता। हे परमात्मा, मेरी धीआं दे सिर ते इदां ही हथ रखना।